हिंदुस्तान न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। बड़ी खबर, अलवर जिले के भिवाड़ी पाकिस्तान की सीमा आधार पहुंची ग्रेटर नोएडा, तो भिवाड़ी की अंजू पहुंची पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा। दोनों ही देशों की जांच एजेंसी अलर्ट पर सोशल मीडिया के जरिए हुई दोस्ती। अंजू की उम्र 35 साल, वहीं नसरुल्ला की उम्र 38 साल। दोस्त से मिलने की कहकर घर से निकली अंजू। जिस तरह पाकिस्तान से सीमा हैदर भारत में अपने प्रेमी के साथ शादी कर आकर रहने लगी, उसी तरह राजस्थान के भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाली एक महिला अपने 2 बच्चों को छोड़कर लाहौर पहुंच गई। बताया जा रहा है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक के जरिए पाकिस्तान के एक नसरुल्ला नाम के युवा से उसकी दोस्ती हुई और प्यार में इतनी पागल हुई कि वह अपने 2 बच्चों और पति को छोड़कर लाहौर पहुंच गई। पति को फोन करके सिर्फ इतना बताया गया कि वह लाहौर में है और अपनी सहेली से मिलने आई है, 3-4 दिन बाद वापस भारत आ जाएगी। लेकिन पाकिस्तान की मीडिया में भारत की इस महिला अंजू पत्नी अरविंद के पाकिस्तान में पहुंचने की खबर प्रकाशित होने के बाद भिवाड़ी में भी हड़कंप मच गया है कि आखिर 2 बच्चों की मां और पति को छोड़कर पाकिस्तान किस तरह पहुंच गई है। जानकारी के अनुसार मूलतः उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के खरपुरा गांव निवासी अरविंद की पत्नी अंजू 3 दिन पहले लाहौर पहुंच गई। आज बच्चों से जब वीडियो कॉल पर बात की तो वह अपनी सहेली से मिलने लाहौर पहुंची है, ये बात बताई। तब इसके पति और परिवारजनों को पता चला। यह क्रिश्चियन परिवार है और टपुकड़ा के टेरा इजीलेस सोसाइटी में रहते हैं। वैसे तो अरविंद 2005 से भिवाड़ी में जॉब कर रहा है और इसकी शादी वर्ष 2007 में मध्य प्रदेश के गुना जिला निवासी अंजू से हुई थी। अंजू भी भिवाड़ी के टपुकड़ा में कंपनी में जॉब करती है। उसके पति अरविंद ने बताया कि मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि वह अपनी सहेली से मिलने के लिए लाहौर गई है। जब उसे पूछा गया कि पाकिस्तान में नसरुल्ला नाम के व्यक्ति से मिलने गई है तो उन्होंने बताया कि मुझे इस संबंध में कोई जानकारी नहीं है। उन्होंने इस बात से भी इनकार किया है कि वो पबजी खेलती है। अंजू ने पूर्व में ही पासपोर्ट बनवा लिया था और इसके पुराने पते से पासपोर्ट बना हुआ है। 2 साल से वह इस सोसाइटी में रह रहे हैं। पति को लाहौर जाने की कोई भनक नहीं लगी और ना ही इस बात का घर में कोई जिक्र किया गया। उन्होंने बताया कि इससे पहले हुए कभी भी घर में बाहर से नहीं गई। एक बार फरीदाबाद अपने रिश्तेदार से मिलने गई थी। अब जब से सुना है कि वह पाकिस्तान में है तो उसने बताया कि वह इस संबंध में क्या कह सकता है, लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि वह जल्दी आ जाएगी, क्योंकि उसने बताया कि तीन चार दिन में भारत आ जाएगी। अरविंद के 15 साल की बेटी और 5 साल का बेटा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अंजू ने पाकिस्तान जाने के लिए एक नया सिम खरीदा था, जिसका नंबर भी उसने अपने पति को नहीं दिया। इस सूचना के बाद स्थानीय पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और पूछताछ कर रही है आखिर उसका वीजा किसने तैयार कराया और वहाँ सोशल मीडिया के जरिए किससे उसकी दोस्ती हुई। अब इस बात की जानकारी की जा रही है। बाहर कहाँ पे है? दोस्तों में जाने का जॉब चाहिए। तो कहाँ कहाँ पे अप्लाई किए पहले? अभी तो अप्लाई नहीं किया। नहीं, पहले आपके नॉलेज में कहीं पे अप्लाई किया हो, जैसे दुबई वगैरह कहीं पे? नहीं नहीं सर, ऐसे कुछ नहीं। तो इस वाक्य से आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं वो पहले किसी के टच में थी और आज वो बात आपके सामने आ गई है? नहीं सर, इतना तो मेरे पता नहीं। कहीं लंबे पहले से तैयारी थी, लंबे टाइम से? नहीं नहीं, ऐसा कुछ लंबे की तैयारी नहीं थी। वो कह रही थी मेरे को जयपुर फरीदाबाद गई थी एक बार घूमने, तो बारी बार चली थी। मैंने बच्चों के लिए बोला तो चलेगा। फिर सुनने में आया कि पबजी खेला है उन्होंने, पबजी खेलने के दौरान ही संपर्क में आई, इस तरह कोई मामला है? चलिए कोई नहीं, अब आप आगे की बात यह है कि कहीं सीमा हैदर जैसा मामला अगर कहीं कन्वर्ट हो जाता है तो आप क्या तैयारी में है, क्या पैरवी करेंगे, क्या आपकी दिमाग इस समय काम कर रहे हैं? सर इस समय तो आप लोग आगे दिमाग में रखना भी नहीं कर, पहली बार आया मेरा दिमाग ही लगा। आपको कब पता चला कि वो पाकिस्तान में? पाकिस्तान के नहीं, लाहौर की बताई है। पाकिस्तान लाहौर सर, वो ठीक है लाहौर बताई। तो मैंने उसको दोबारा फोन किया, उठाई तो बोली कि उसने बोली लाहौर में हूँ मैं, ठीक है। मैंने कहा पासपोर्ट लेके गई है क्या? बिना पासपोर्ट के जा नहीं सकती। अरे हाँ ले गई। तो आपको ये नहीं पता कि लाहौर पाकिस्तान में है? अरे सर मेरे को तो लाहौर ही बस सुना पाकिस्तान। बच्चे कितने कितने साल के हैं? एक लड़की 15 साल की है, एक लड़का ये है। क्या नाम है इनका? ये जस्ट आरओ, और लड़की का नाम है एंजल। ठीक है, ओके।